ट्रक क्यों जा रहा है? मैंने तो पहले भी कई बार ट्रक को जंगल में जाते देखा है, पर हाँ, ये जंगल के अंदर बाहर जाने क्या करते रहते हैं? चलो वहाँ चलकर पता लगाते हैं कि चक्कर क्या है। अब अगर रोज रोज ट्रक जंगल में आ जा रहे हैं तो कुछ तो जरूर हो रहा है। ये तो बताओ, बॉस के यहाँ क्या करने की प्लानिंग है? अरे तुझे नहीं पता, बॉस यहाँ पर एक बड़ा सा जंगल रिसॉर्ट बनाने की सोच रहे हैं। लेकिन ये तो सरकारी जमीन है, उसमें बॉस रिसॉर्ट कैसे बना सकते हैं? उसकी परमिशन तो मिलेगी ही नहीं। बात तो तुम सही कह रहे, लेकिन जंगल में मंगल करना मेरा शौक। एक बार रिसॉर्ट बन गया तो परमिशन मिल ही जाएगी। बड़े बड़े मंत्री से लेकर उनके संतरी तक मेरे दोस्त हैं। मिशन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो गलत बात है। इस सुंदर जंगल को काटकर ये लोग रिसॉर्ट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बारे में लड्डू सिंह जी को जितना जल्दी हो सके बताना पड़ेगा। लड्डू सिंह जी को बाद में बताना, पहले चलकर मंगल सिंह को तो बता दो। मंगल सिंह? वो कौन है? हमारे बॉस। अब मुंह बंद करो और चलो मेरे साथ, वरना मुझे गुस्सा आ गया तो जमीन हिल जाएगी और आसमान फट जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम मेरे को कम मत समझना। चलो आगे चलो। बॉस, ये बच्चे जंगल में छुपकर हमारी जासूसी कर रहे थे। शाबाश मिर्ची, तुम बड़े काम के आदमी हो। ए बच्चों, जल्दी बताओ यहाँ क्या कर रहे थे? अंकल, आप लोग जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। अभी सब कुछ रोक दीजिए, वरना मैं पुलिस को फोन करके बुला लूँगा। ओह, ये बच्चा पुलिस को बुलाएगा? पकड़ लो इन सबको। बच्चा मत कहना अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। मैं जंगल में मंगल करता हूँ और तुम दंगल के मूड में हो, मारो इसे। खाते हो, एक बच्चे को पकड़ नहीं सकते। बस, बहुत बहादुरी दिखा चुके बच्चे। अगर अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो चुपचाप इनके साथ खड़े हो जाओ। शिवा, तुमने इन सबको छोड़ क्यों दिया? हम सबको तो लड्डू सिंह जी आकर छुड़ा लेते। लड्डू सिंह तो तब आएगा जब तुम उसको बता पाओगे। बांध दो सबको एक साथ। हम सबका एक साथ यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल है। मैं लड्डू सिंह जी को बुलाकर लाता हूँ, तुम सब किसी तरह यहाँ संभाल लेना। ओके शिवा। ए,
मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसको। जब तक हमारा रिसॉर्ट बनकर तैयार नहीं होता, किसी को भी पुलिस तक पहुंचने नहीं देना है। पकड़ो उसे। मिर्ची हियर, बच्चे की साइकिल यहाँ पेड़ के नीचे पड़ी है, बच्चा भी यहीं कहीं होगा। बच्चा मत कहना मिर्ची अंकल। शिवा, शिवा नाम है मेरा। बचाओ, बचाओ। हेलो लड्डू सिंह जी। यस यस शिवा, ओके ओके, मैं अभी आता हूँ। तुम डरना मत, कहीं छुप जाओ शिवा, मेरे आने तक छुपे रहना, लड्डू सिंह सब संभाल लेगा। ओके। चिल्ला क्या रहे हो? पकड़ो उसे। बचाओ! ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? एक बच्चा नहीं संभल रहा, खुद बच्चे की तरह चिल्ला रहे हैं। पकड़ो उसे, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब चीख क्यों रहे हैं? क्या किया उस बच्चे ने? पता नहीं, वो बच्चा बहुत खतरनाक लगता है। देखा नहीं कैसे फाइट कर रहा था? चारों तरफ नजर रखो। कार हो, किसी काम के नहीं। एक बच्चे को पकड़ नहीं सकते। बच्चा नहीं कहना अंकल, वो अभी आ जाएगा और बहुत मारेगा। Shut up, shut up! जंगल में मंगल अंकल, अभी भी समय है, मेरे दोस्तों को छोड़ दो, वरना तुम खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ, खत्म कर दूंगा। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? वापस आ जाओ वरना। मेरे दोस्तों को छोड़ दीजिए तो मैं आपके आदमियों को छोड़ दूंगा। सुना सुना तुम लोगों ने, ये कहता है मैं तुमको छोड़ दूं तो वो मेरे आदमियों को छोड़ देगा। अरे
अरे मेरे 20 आदमी हैं, 20 और तुम अकेले। 20 में से कई काम हो चुके हैं अंकल, गिनती ठीक से करो। ओवर एंड आउट। यस शिवा, किसी को मत छोड़ना। पास बचे आदमियों को भी वहां से दूर कर दूं। अंकल अंकल कमेंट, अंकल अंकल कमेंट। अरे अंकल, वो आपको बुला रहा है। यस यस गो शिवा, इतने प्यार से क्यों बुला रहे हो? लगता है हिम्मत जवाब दे गई। मुझे डर लग रहा है, मैं पता नहीं कहां आ गया हूं। सॉरी, आप मुझे वापस बुला लीजिए। आपके आदमियों का कहीं पता नहीं, और आदमी भेजिए। तुम कहाँ हो, कुछ तो आइडिया दो। यहाँ एक बड़ी केव है और पास में खंडर, इनमें से कहीं एक जगह मिलूंगा। ए जाओ, जंगल में जो केव और खंडर है वही कहीं शिवा मिलेगा, पकड़ के लाओ उसे। मंगल से दंगल करने चला था। मेरे सारे आदमी सुनो, जंगल में जो गुफा और खंडहर है वहीं जाओ, शिवा वहीं मिलेगा। हम ये जंग जीत चुके हैं, शिवा ने हार मान ली है, जाओ। अब देखो, मेरे आदमी तुम्हारे शिवा को घसीट कर यहाँ लाएंगे और फिर मैं उसकी कैसे खातिरदारी करता हूँ, जंगल में मंगल करा दूंगा। एक चूहा
चूहा कितनी बार काट रहा है? अरे एक नहीं, एक एक करके अनेक चूहे। कुछ बैठ पे, कुछ हट ना। अरे आता जा, आता अभी आता। आओ आता रे। आपके पास सिर्फ दो आदमी बचे हैं। तुम्हें कैसे पता? शिवा! एक बच्चे ने मेरी पूरी फौज को खत्म कर दिया। कैसे? कैसे? बच्चा नहीं कहना अंकल। शिवा नाम है मेरा। तुम्हें और मार खानी है? नहीं। तो जाओ मेरे दोस्तों को खोल के उन्हें चाय नाश्ता कराओ। तब तक मैं तुम्हारे बॉस के साथ दंगल करता हूँ। दोनों मेरी मदद करो। सॉरी बॉस, बच्चे से मार खाने में बहुत शर्म आती है। आपको नहीं आ रही क्या? देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। मेरा रिसॉर्ट बन जाने दो, तुम में से किसी को नौकरी नहीं दूंगा। करते हैं फिर फाइट करूंगा। ए, सुनो, गर्मा गर्म चाय तो चाय। जी सर। ए, इंस्पेक्टर, बारात में आए हो क्या? आओ आओ, अपनी ड्यूटी करो। और कितनी देर एक बच्चे से मार खाऊंगा?
इसने मेरी इतनी पिटाई की कि मेरी मम्मी ने भी बचपन में मेरी इतनी पिटाई नहीं की थी। अब रोने धोने से क्या फायदा? हाँ, ये सब तो गलत काम करने से पहले सोचना चाहिए। सरकारी जमीन पर एक रिजॉर्ट बनाने की बात तुमने सोची कैसे? हाँ, बोलो। तुम्हें पता नहीं यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर जब चोर चोरी। अरे डायलॉग्स बाद में, पहले जेल ले चलो। ओके ओके, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ। थैंक यू शिवा, थैंक यू वेरी मच। तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है, थैंक यू। अब ये जाएगा जेल में और हम करेंगे जंगल में मंगल।